मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। लास्ट टाइम पे अपन ने लास्ट लेक्चर में पूरा अपन ने कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया था। जो चैप्टर था उसकी थ्योरेटिकल पूरी चीज़ें हो गई हैं, अब केवल न्यूमेरिकल्स बचे हैं। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल में करवाना चाहूँगा। कॉम्पिटिशन में बहुत बार पूछा जाता है और मेरा भी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें जो 10^-7 kg व 1.6×10^-19 आवेश वाली जल की बूंद को संतुलित कर सके। तो अगर अपन इसमें देखें तो सिंपली अपन को द्रव्यमान दे रखा है m और आवेश q का मान दे रखा है। तो बेटा इसको करने से पहले आप सॉल्यूशन को मत देखो, पहले ये देखो कि ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि जल की बूंद को आवेशित किया और आवेशित करने के बाद में ये संतुलित कितने पर रह सकती है। ये क्वेश्चन अगर कॉलेज वाले बच्चों को करवाते हैं तो कॉलेज वाले बच्चे भी नहीं कर पाते, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट बनता है, IIT में पूछा गया सवाल है। तो बेटा संतुलित होने का मतलब पहली बात है कि जल की बूंद का द्रव्यमान दे रखा है, तो इतना तो तय है कि इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अब संतुलित होने का मतलब क्या होता है? संतुलित होने का मतलब है कि कोई इसको बैलेंस कर रहा है, यानी कोई ऐसा बल है जो विपरीत दिशा में भी कार्य कर रहा है। अब अगर अपन देखें तो बेटा जो जल की बूंद है उस पर गुरुत्वीय बल लगेगा तो किधर गति करेगी? नीचे की ओर। और उस पर नीचे की ओर गति करने के कारण कितना बल लगेगा? नीचे की ओर लगेगा mg। अब संतुलन बल, अब चूंकि उसके ऊपर आवेश है तो अपन जानते हैं कि वैद्युत बल होता है F=kq1q2/r², लेकिन चूंकि कोई दूसरा आवेश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बल है F=q×E। अब देखो mg नीचे की ओर है और अगर क्यों ही भी नीचे की ओर होगा तो दोनों एक साथ एक दूसरे की मदद करेंगे और नीचे की ओर गिर जाएंगे। भाई सिंपल सी बात है कि एक जल की बूंद है जिस पर नीचे की ओर बल लग रहा है, और अगर नीचे की ओर विद्युत बल लगे तो वो तेजी से नीचे की ओर आएगी। लेकिन अपन को क्या कह रहा है कि संतुलित करना है, यानी कि एक बल नीचे की ओर और एक बल ऊपर की ओर। अब डिसाइड आपको करना है कि नीचे कौन सा और ऊपर कौन सा है। नीचे की ओर तो नो डाउट हमेशा mg होता है, तो ऊपर की ओर क्या लगेगा? QE। तो बस कॉन्सेप्ट यही है कि ऊपर की ओर तो क्यों ही लगेगा और नीचे की ओर mg। अब संतुलित करता है, यानी संतुलित करने का मतलब क्या है? दोनों बराबर हो। संतुलन करने का मतलब होता है दोनों परिमाण में बराबर हो लेकिन दिशा में विपरीत हो, और अपन देख रहे हैं दिशा में विपरीत है, mg नीचे की ओर और QE ऊपर की ओर। तो सॉल्यूशन में देखें तो सॉल्यूशन में बूंद का आवेश अपन ने सॉरी द्रव्यमान इतना अपन को पता है 10^-7, आवेश क्यों बराबर 1.6×10^-19 कूलम, संतुलित करने के लिए विद्युत बल बराबर बूंद का भार, जो मैंने आपको लंबे चौड़े तरीके से समझा दिया है। तो इसको ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है ये, कंपटीशन में तो पूछा जाता है। जैसे लैब असिस्टेंट हो गई, LDC एग्ज़ाम हो गई, या फिर टीचर की वैकेंसी हो गई, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यहाँ तक कि फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में पूछा गया है। 2016 की एग्ज़ाम में फर्स्ट ग्रेड में ये सवाल पूछा गया है, बस उसमें डाटा अलग थे। तो QE बराबर mg। अब Q का मान दे रखा है, E का मान अपन से पूछा है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान याद करें तो E का मान तो अपन से पूछ लिया, Q दे रखा है, m दे रखा है, g दे रखा है, तो E बराबर क्या हो जाएगा? Q इसके नीचे वज्र गुणा हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो E बराबर mg/Q। m का मान रखा 10^-7, g का मान 9.8 और Q का मान 1.6×10^-19। 10^-7 से -19 काटा, पॉइंट हटाया, तो फिर अपन को फाइनल अगर कैलकुलेट करते हैं तो E=6.125×10^-12 न्यूटन प्रति कूलम, जो इसका मात्रक है। ध्यान रखना, अगर आपने मात्रक नहीं लिखा आपकी एग्जाम में तो उसका आधा नंबर काट लिया जाएगा। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, दिमाग में रखना, केवल संतुलित करना है। अगला सवाल देखते हैं। निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 N है। यदि 1 mm मोटाई व 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टी का इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तो बल का मान क्या होगा? वेरी गुड सवाल, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। परावैद्युतांक और मोटाई दे रखी है, तो अपन ने देखा था परावैद्युतांक तब जब पढ़ा था तो अपन ने ये देखा था कि मोटाई का कोई रोल नहीं होता है, तो यानी 1 mm मोटाई तो बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा है। परावैद्युतांक का मतलब εr, यही तो होता है परावैद्युतांक, या अपेक्षित विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो परावैद्युतांक अपन को दे रखा है εr। अब याद करो मैंने वहां पर आपको करवाया था कि εr बराबर होता है f0/fm, यानी εr बराबर f/f माध्यम,
फॉर्मूला मैंने करवाया था प्रीवियस लेक्चर्स में, आप देख सकते हो। तो वो फार्मूला मैंने लिखा कि एफ एम, देखो एफ, मैंने यहाँ पर एफ एम लिख दिया कि एफ सेलेन आर बराबर एफ अपोन एफ एम है, तो यानी एफ एम बराबर एफ अपोन एफ सेलेन आर। एफ एम मतलब माध्यम और एफ मतलब निर्वात। एफ सेलेन आर 6 दे रखा है, एफ बराबर दे रखा है 18 न्यूटन, यानी कि ये निर्वात के अंदर दे रखा है 18 न्यूटन। क्या बोल रहा है? निर्वात में। तो एफ क्या था? निर्वात, निर्वात में 18 न्यूटन। तब कांच की पट्टी का प्रबल एफ एम अपन को याद करना है, तो एफ एम बराबर 18/6 बराबर 3 न्यूटन। सिंपल सा सवाल है, अगर एग्जाम में पूछा गया तो छोटे अति लघुरात्मक क्वेश्चन में एक नंबर का पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इस बात का, एक नंबर वाले सवाल में ये सवाल आ सकता है। इसका एक दूसरा तरीका और है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये शॉर्ट तरीका है इसलिए मैंने आपको ये करवाया, बाकी इसका एक दूसरा तरीका और है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखो सबसे पहले अपन निर्वात में क्या लिखेंगे, एफ बराबर क्यू वन क्यू टू बटा 4 पाई एफ सेलेन जीरो आर स्क्वायर, ये एफ होता है जो निर्वात में होता है, समीकरण एक। फिर अपन माध्यम में करेंगे तो एफ माध्यम बराबर या एफ एम बराबर के क्यू वन क्यू टू बटे 4 पाई एफ सेलेन जीरो एफ सेलेन आर और इनटू में आर स्क्वायर, समीकरण दो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये का ये फार्मूला प्राप्त होगा। और वैसे मैंने आपको फार्मूला करवाया, डायरेक्ट इसको याद रखें, इस फार्मूले में मान रखिए एफ माध्यम है और एफ एम सॉरी एफ जो है वो निर्वात है और एफ एम क्या है? माध्यम है। इससे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2 न्यूमेरिकल अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, फिर मैं आपको 4 न्यूमेरिकल करने को दूंगा।